अब्दुल्लाह बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु उस छोटी पहाड़ी की तरफ नमाज पढ़ते जो रोहा के आखिरी किनारे पर वाक़े है, और ये पहाड़ी वहाँ ख़त्म होती है जहाँ रास्ते का किनारा है। इस मस्जिद के करीब जो इसके और रोहा के आखिरी हिस्से के बीच में है, मक्के को जाते हुए अब वहाँ एक मस्जिद बन गई है। अब्दुल्लाह बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु उस मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ते थे, बल्कि उसको अपने बाएं तरफ मुकाबिल में छोड़ देते थे और आगे बढ़कर खुद पहाड़ी अरकुत तैबा की तरफ नमाज पढ़ते थे। अब्दुल्लाह बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु जब रोहा से चलते तो जहर की नमाज उस वक्त तक न पढ़ते जब तक उस मकाम पर न पहुंच जाते। जब यहाँ आ जाते तो जहर पढ़ते, और अगर मक्के से आते हुए सुबह सादिक से थोड़ी देर पहले या सहर के आखिर में वहाँ से गुजरते तो सुबह की नमाज तक वहीं आराम करते और फज्र की नमाज पढ़ते। सही बुखारी हदीस नंबर 486। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू